friend to the Spring Boot tutorial series. So last video mein humne discuss kiya tha what are all the different HTTP request method that we can use. So while developing any RESTful web service, if you're not going to specify any method, so that comes as a default GET method. Okay. अभी तक मैंने ये देखा है कि लेट सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार एप्लीकेशन को एंड स्लैश वेलकम API से मैं कॉल करता हूँ. सो अभी क्या किया, वेन एवर आई डू ए रिक्वेस्ट फॉर वेलकम आई गेट ए रिस्पॉन्स बैक फ्रॉम दैट API. सो वेलकम टू स्प्रिंग बूट ऐप. अभी मैंने क्या किया कि वन वे लाइक मैंने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजा एंड आई एम गेटिंग ए रिस्पॉन्स. नाउ मुझे ये चाहिए कि मैं रिक्वेस्ट के साथ कुछ पैरामीटर्स भेजूँ, लाइक दिस इज़ माई नेम इज़ प्रशांत एंड आई गेट बैक ए रिस्पॉन्स लाइक वेलकम टू माई चैनल प्रशांत समथिंग. ओके, सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा. सो इसके लिए लेट मी स्टार्ट गेट अनदर API पब्लिक स्ट्रिंग user name. Okay, take username and return we just for name likh deta hu and in mapping aise hi mujhe likhna hoga request mapping jaisa ki pehle main karta tha. Jise main mujhe ek value assign karni hogi slash यूज़र. ओके, मैंने यूज़र नाम की मैपिंग गेट यूज़र कर देता हूँ, गेट यूज़र. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार पेज को. लेट मी स्टॉप एंड रिस्टार्ट. सो मैंने इसकी मैपिंग की है गेट यूज़र से. सो मैंने गो एंड हिट दिस URL / गेट यूज़र. अभी आप ये हो गए नेम आपको रिस्पॉन्स बैक में आए क्योंकि मैंने यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स बैक में नेम किया. मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे कोई मेथड नहीं ऐड किया, इट मींस दिस कम्स अंडर ए गेट कॉल. ओके, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे यूजर से उसका नेम चाहिए. सो आई नीड द नेम फ्रॉम यूजर. सो उसके लिए मुझे एक एनोटेशन है दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट पैरम दिस वन. अब रिक्वेस्ट पैरम हम यूज करेंगे एनोटेशन एंड आफ्टर दैट स्ट्रिंग. बट आई नीड नेम, मुझे नेम चाहिए. सो ये दिस इज द वे यू कैन यूज. अब मैं नेम को रिटर्न करता हूँ लेट सपोज लेस नेम. ओके, अब यहाँ लिखता हूँ वेलकम स्लैश स्पेस नेम. मैंने यह क्या किया कि रिक्वेस्ट पैरम किया एंड रिक्वेस्ट पैरम में मैंने बोला कि मुझे जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसके साथ एक पैरामीटर एंड नेम एंड आई पिक द वैल्यू फ्रॉम दैट नेम पैरामीटर एंड रिस्पॉन्स बैक टू द यूज़र. ठीक है, अब ब्राउज़र पे जाते हैं एंड स्लैश इसको हिट करते हैं फिर से. अभी कोई एरर नहीं आ रहा है मुझे क्योंकि स्टार्ट करना होगा एक बार फिर से एप्लीकेशन. सो दैट इज़ ओके, अब मैं रीस्टार्ट किया हूँ, देखते हैं क्या होता है. अब आप देखोगे कि वाइट लेबल एरर भेजा गया एंड द मैसेज इज रिक्वायर स्ट्रिंग पैरामीटर्स नेम नॉट प्रेजेंट. सो मैंने अभी क्या किया था, रिक्वेस्ट पैरा में बोला था कि मुझे नेम चाहिए. सो इफ यू आर नॉट कॉलिंग विल गेट बैड रिक्वेस्ट विथ ए 400 एरर क्यों आया, क्योंकि मेरा जो रिक्वेस्ट है दैट इज़ नॉट करेक्ट बैड. सो अब मुझे रिक्वेस्ट पैरम के लिए क्या करना होगा, रिक्वेस्ट पैरम पास करने के लिए मुझे एक क्वेश्चन मार्क यूज करना होगा आफ्टर द URL एंड देन नेम. नेम इज माय रिक्वेस्ट पैरम, मेरा नेम है रिक्वेस्ट पैरम एंड नेम की मुझे एक वैल्यू देनी होगी, वैल्यू इज प्रशांत. व्हेन आई हिट दिस यू गेट द मैसेज वेलकम टू प्रशांत. ठीक है, सो इन द सेम वे लाइक ये रिक्वेस्ट पैरम क्या है, जो भी आपका रिक्वेस्ट आएगा उसके साथ एक पैरामीटर्स आएंगे दैट इज़ ए की वैल्यू पेयर. सो की शुड बी द नेम
जो यहाँ मैंने ऐड किया है, एंड वैल्यू शुड बी प्रशांत. यू कैन चेंज इट एज वेल, लाइक लेट सपोज मैं डालता हूँ वैल्यू इक्वल डबल कोट्स में माई नेम. मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो पेरेंट की वैल्यू हो माई नेम हो. अगर मैं ऐसे स्पेसिफाई करूँगा तो यहाँ पे मुझे अब क्या करना होगा, एक बार रिफ्रेश करते हैं, सर्वर फिर से रिस्टार्ट करना होगा. जस्ट अ मिनट, ब्राउज़र पे आते हैं. अभी आप देखोगे फिर से एरर आ गया. अभी क्या, रिक्वायर स्ट्रिंग पैरामीटर माई नेम. अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, माई नेम कर दिया. तो रिक्वेस्ट पैरेंट माई नेम है, जो माई नेम से पैरेंट की वैल्यू लेगी और ये नेम स्ट्रिंग में असाइन करेगी. पहले क्या होता है, नेम नाम के स्ट्रिंग से नेम को नेम में असाइन हो रहा था. अब इसको नेम नहीं माई नेम चाहिए, तो मुझे ऐसे माई नेम मैंने डाला और विल गेट द रिस्पॉन्स. ठीक है, सो माई नेम इज माई रिक्वेस्ट पैरेंट. आफ्टर दैट दिस इज द नेम दैट गेट द रिक्वेस्ट पैरेंट वैल्यू, लाइक प्रशांत यहाँ क्या हुआ, इस नेम में साइन होगा and that name I am returning. Okay, so I hope you are clear.